जगदीश, क्या है विशेष जानकारी मामले में? हाँ बिल्कुल, देखिए एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ इस वक्त कर्नाटक में, और जो भी बागी विधायक थे, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हों या जेडीएस के हों, उन सभी विधायकों को अयोग्य करार दे दिया गया है, यानी कि उनको असेंबली से डिसक्वालीफाई कर दिया गया है। ये एक बहुत बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। बेंगलोर से पहले ही तीन विधायकों को अयोग्य करार दे दिया था स्पीकर रमेश कुमार ने, जिसमें जेडीएस के एक और कांग्रेस के दो विधायक थे, लेकिन अब 14 और विधायकों को ये सजा झेलनी पड़ी है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि इस वक्त एक बड़ा सेटबैक है उन एमएलए को, उन विधायकों को जो जिन्होंने अपनी सरकार से, अपनी पार्टी से बगावत किया था। लेकिन स्पीकर इस पूरे मामले पर इंतजार कर रहे थे कि कोई नई व्यवस्था बने, नई सरकार का शपथ हो, उसके बाद वो कोई बड़ी कार्रवाई करेंगे। हालांकि इसके पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले इंतजार कर रहे थे, तो पिछले एक डेढ़ हफ्ते में जो राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से कर्नाटक में, उसका एक आप कह सकते हैं कि एक नई दिशा इस वक्त समझ में आ रही है। हालांकि ये विधायक सुप्रीम कोर्ट आएंगे, स्पीकर के फैसले को चुनौती देंगे और ये प्रक्रिया काफी आगे चलेगी। कहीं ना कहीं एंटी डिफेक्शन लॉ उनके ऊपर लागू हुआ है और हो सकता है किसी तरह की रोक लग सकती। जी 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 रजनीश।